अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मिरर, चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है। मिरर क्या होता है? मिरर इट इज एन ऑप्टिकल प्लेन सरफेस ऑफ मेटल व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेगुलरली। हमने देखा हुआ है कि जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट के अंदर दो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे जो एक नाम में एक दूसरे के तकरीबन नजदीक होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी चीज को लौटाना, वापस भेजना, रिफ्लेक्शन। रिफ्रेक्शन का मतलब होता है किसी चीज की डायरेक्शन को मोड़ना। इसका नाम है कि इसका मतलब है कि लाइट को लौटाना किसी सरफेस के टकराने के बाद। और रिफ्रेक्शन का मतलब होता है कि लाइट को अपनी डायरेक्शन में मोड़ना। रिफ्लेक्शन में मटेरियल कभी भी चेंज नहीं होता, जिस मटेरियल में लाइट आती है उसी मटेरियल में लाइट जाती है। रिफ्रेक्शन में ऐसा होता है कि जिस मटेरियल से लाइट पहले आती है तो बाद में दूसरा मटेरियल दूसरे नेचर का होता है, मटेरियल जुदा होते हैं। रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे तो इसमें पहला टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रेक्शन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पहला पहला टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्रेक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम ये देखेंगे कि ओपेक मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करें, ना के रिफ्रेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें। अच्छा, वो मटेरियल्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वो ओपेक मटेरियल्स होते हैं। ये बोर्ड में मेरे क्लॉथ्स, मेरे ये जो स्किन है, ये जो मेरे हेयर हैं, ये डस्टर, ये डाइस, ये वॉल, ये सारी चीजें, ये डोर, ये सारी चीजें ओपेक मटेरियल्स होते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन में दो कैटेगरीज होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सारी चीजें इरेगुलर रिफ्लेक्ट करती हैं लाइट को, पर मिरर लाइट को रेगुलर रिफ्लेक्ट करता है। मींस रेगुलर रिफ्लेक्शन जो सरफेस कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर। मिरर में दो कैटेगरीज होंगी, एक कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, ऐसे ही यहां पर भी देखें जो मटेरियल्स रिफ्लेक्ट कर पाए उन मटेरियल्स को कहेंगे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट जैसे ये हमारा ग्लास है, इस चश्मे का जो बीच वाला ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल दो कैटेगरीज का होगा, लेंसेज और प्रिज्म। लेंसेज हम सीखेंगे, इनकी दो कैटेगरीज होंगी, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। लिहाजा ये वाली कैटेगरी हम किसी दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, आज हमारा फोकस रिफ्लेक्शन पर होगा। अगर हम देखें ये जो हमारे पास है कोई बल्ब है, वो बल्ब अगर यहां पर चमकता है, ये यहां पर फर्ज कर लें कि ये बल्ब चमक रहा है, तो इसमें से लाइट जाएगी। अगर लाइट जा रही है तो ये लाइट क्या करेगी? अगर फर्ज कर लें यहां पर कोई सरफेस पड़ा हुआ हो और वो सरफेस वुड का हो, तो ये वुड क्या करेगा? लाइट आएगी, इस लाइट को फिर से उसी मीडियम में लौटाएगा। यहां से ये रे ऑफ लाइट आएगी, उसको इस मीडियम में लौटाएगा। ये रे ऑफ लाइट आएगी, इसको इस मीडियम में ये लौटाएगा। अब देखें ये हमारे पास है तीन रेज ऑफ लाइट है। अगर हम यहां पर खड़े होते हैं हम देखेंगे तो हमारी आई देखेगी कि भाई ये जो लाइट हमारी आंख में दाखिल हो रही है उसका पैटर्न अलग है, जो आ रही थी उसका पैटर्न अलग है। तो हमारी आंख को ये नया पैटर्न, नए पैटर्न वाली लाइट ऑब्जर्व होगी जो कि ये सरफेस बनाकर भेज रहा है। तो इसको इस दीवार में क्या ये बल्ब दिखेगा? जवाब है नहीं। इस दीवार में इसको क्या दिखेगा? ये वुड का मटेरियल ही दिखेगा, वुडी दिखेगी, मतलब यहां पर इसको वुडी देखेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना पैटर्न खुद बनाकर लाइट को भेज रहा है, तो हमारी आंख के लिए ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया और इस वुड के लिए ये सोर्स ऑफ लाइट हो गया। यहां पर देखें, अगर हम यहां पर कोई दूसरा सरफेस ले आ रहे हैं और इस सरफेस में क्या हो रहा है, यहां पर कोई एक बल्ब है और ये जो बल्ब है ये लाइट निकाल रहा है और ये लाइट यहां से आ रही है, ये वाली लाइट यहां पर आ रही है और ये जो लाइट है ये टकरा कर यहां जा रही है, ये लाइट टकरा कर यहां जा रही है, ये लाइट टकरा कर यहां जा रही है। हमारी आंख यहां पर है, हम यहां खड़े हैं, तो ये लाइट हमारी आंख में दाखिल होगी, तो हमारी आंख में देखें ये वाला पैटर्न लाइट की रेज का हमारी आंखों में दाखिल हो रहा है, ये वही पैटर्न है जो पैटर्न यहां से आ रहा था। हमारी आंखों को ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये जो लाइट है ये ऐसे बेंड होकर आ रही है।
हमारी आंख को कुदरती एक ट्रेनिंग मिली होती है कि लाइट की रेस को बैक ट्रेस करके उसको पीछे करते जाए और ये लाइट पीछे ऑब्जर्व करती जाएगी, मतलब हमारी आंख इन लाइट की रेस को डिटेक्ट करेंगी कि ये कहाँ से आ रही है। ये रूल होगा कि लाइट रेक्टिलिनियर पाथ में ही डिटेक्ट करेगी हमारी आंख। अगर ऐसा होगा तो हम ये को कहेंगे कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रही है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कोई पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पर ये तीनों रेज आपस में मिल जाएंगी, जहां मिलेंगी वहीं पर हमारी आंख को लगेगा कि बल्ब पड़ा हुआ है, पर वहां पर बल्ब नहीं है, ये हमारी आंखों का धोखा है। लिहाजा दिस इज कॉल्ड इमेज, इसको हम एक इमेज बोलेंगे। हत्ता कि ये इमेज हमारी आंखों को दिखती है पर यहां पर है नहीं, इस सरफेस को हम बोलेंगे मिरर। क्यों? क्योंकि इस सरफेस ने जिस पैटर्न में लाइट आई थी उसी पैटर्न में लाइट को भेजा। तो इस मिरर को दिस इज कॉल्ड मिरर, दिस सरफेस को हम मिरर कहेंगे। और यहां पर देखें हमारी लाइट इस दीवार के पीछे इस बल्ब को देख पाएगी, मतलब इस मिरर के पीछे से इसको तस्वीर दिखेगी। तो यहां पर देखें ये हमारे पास इररेगुलर रिफ्लेक्शन थी और यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो ये जो हमारे पास मिरर होता है ये मिरर रेगुलर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, मिरर के अलावा सारी चीजें इररेगुलरली रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। अगर हम देखें हमारे पास एक मिरर है जो चूंकि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में ऐसा होता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है तो ये बंदा अगर देखेगा, फर्ज कर लें कि ये उसका हेड है, ये इसके पांव है और ये वाला हिस्सा इसकी आईज है, आईज हेड और ये उसके पैर है। यहां पर देखें कि ये जो बंदा है, ये बंदा क्या करेगा? सीधी सी बात है, अगर ऊपर कोई रोशनी आ रही होगी तो ये रोशनी इस बंदे से टकराएगी। अब ये होगा कि हम ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा बंदा इस मिरर के लिए सोर्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट आएगी इससे टकराकर फिर मिरर में दाखिल होगी। और हम देखें कि यहां पर इस हेड से एक रे ऑफ लाइट चली जाएगी, सीधे से रे ऑफ लाइट चली जाएगी। और हम देखें ये रे ऑफ लाइट जब जाएगी तो टकरा कर फिर से वापस आएगी, जैसे आएगी तो इसकी आंख में दाखिल होगी। अब देखें ये जो इसके फीट हैं यहां पर भी रोशनी टकराएगी और ये जो रेज ऑफ लाइट है स्प्रेड जाएगी, टकरा कर इसकी आंखों में जाएगी लाइट। ये जो इस बंदे से पूरी की पूरी लाइट टकरा रही है बंदे से, ये इस बंदे से टकरा कर फिर मिरर में जाएगी, मिरर से टकरा कर नीचे इसकी आंखों में आकर टकरा जाएगी। यहां पर देखें तो इसकी आंखें बैक ट्रैक करेंगी जब लाइट को, तो इसको पता चलेगा कि ये रेज यहां से आ रही है, अतः कि ये जो रे है वो टकरा कर यहां से आ रही थी, ये ले रे ऑफ लाइट आई टकरा कर यहां चली गई। तो हम ये कहेंगे ये रे ऑफ लाइट अगर यहां पर आ रही है तो मतलब ये कि हमारी आंख कहेगी कि ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, क्योंकि हमारी आंख को लाइट को बेंड करना नहीं आता, वो सिर्फ स्ट्रेट ही लाइट को बैक ट्रैक करती जाती है। और ये वाली रोशनी यहां से आ रही है, मतलब ये वाला बंदा यहां पर इसको दिखेगा। हम देखेंगे कि ये जो इसको बंदा यहां पर दिख रहा है, मतलब ये इसी की तस्वीर यहां पर बन रही है। और ये वाला हिस्सा मिरर का, ये वाला हिस्सा काम का नहीं है, क्योंकि माथे वाली रोशनी जब यहां से टकरा कर वापस आ रही है तो इस पॉइंट से टकरा कर आ रही है और इस पॉइंट से इसके पैरों की रोशनी आकर टकरा कर वापस आ रही है, इससे मिरर के पीछे इमेज बन रही है जो इसको दिख रही है। तो मिरर की जो लेंथ होती है उसकी, अगर मिरर की लेंथ को हम आधा कर लें, किससे आधा कर लें? इस पर्सन की हाइट से इस मिरर की लेंथ को आधा कर लें तो भी इस आदमी को अपनी पूरी पिक्चर दिखेगी इस मिरर के पीछे। मतलब ये कि साइज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर की जो साइज होती है वो
ऑब्जेक्ट की साइज से, ऑब्जेक्ट साइज से दो मर्तबा छोटी होती है। मतलब ये कि अगर आप आपकी हाइट 5 मीटर है तो आपको 2.5 मीटर वाला मिरर अपनी आपकी जो पूरी की पूरी इमेज है वो बनाकर दिखा सकता है। मतलब ये कि एक मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है, मतलब आधी होती है। अगर हम देखें, अगर बड़ा सा मिरर ले आए तो और ज्यादा चीजें हमें दिखेगी। तो मिरर क्या करता है, जनरली वो लाइट को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करता जाता है। और इसमें 4 चीजें या 5 चीजें या 6 चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ती है। एक चीज के मिरर, प्लेन मिरर की साइज ऑब्जेक्ट से आधी हो उस वक्त ऑब्जेक्ट की पूरी साइज उस मिरर में दिख सकेगी। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मुकम्मल देखना है तो मिरर की साइज ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी हो। दूसरी पॉइंट, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट तक है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज तक होगा। मतलब ये जो मिरर होता है वो मिरर अगर प्लेन मिरर है तो इमेज उतनी दूर बनाएगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। और तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट ये है कि ये जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर इसमें कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होती। प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनाइट होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें नहीं होती। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है रियलिटी में वो इमेज यहाँ नहीं होती, सिर्फ इस आदमी को परसीव होती है। मतलब ये कि इस आदमी को लगता है कि इस मिरर के पीछे एक इमेज है, हत्ता कि वो इमेज जब हम देखने जाएंगे पीछे तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये एक वर्चुअल इमेज है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और हम देखें कि ये जो इमेज बनेगी ये इमेज इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है तो इमेज का भी हेड ऊपर होगा। तो मतलब ये कि एक तो इमेज रियल है, दूसरा तो इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब है सीधी की सीधी इमेज। और तीसरी पॉइंट इनवर्टेड साइडली, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि मिरर में जब हमारी राइट साइड हम देखते हैं तो मिरर में वो लेफ्ट साइड बन जाती है। तो ये 5-6 चीजें आप याद कर लें। थैंक यू।